अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना खालिद महमूद आपके सामने बैठा हूँ ebike.pk के तवस्सुत से। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। बहुत बड़े बाइकर हैं, टूरिस्ट हैं, मैकेनिक हैं, माशाल्लाह हर फील्ड में बहुत आगे हैं। ऐसे ऐसे काम कर गए जो कोई नहीं कर सका। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये है हमारे इस्लाम भाई। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया जिसके इंतज़ार में बहुत ज़माने से था। मैं बहुत शौकीन रहा हूँ इस मामले में और अभी तक हूँ, और मेरा ज़्यादातर शौक़ जो है वो टूरिंग का रहा है। पहला टूर मैंने सबसे पहले 78 में किया था, कावासाकी 100 पर। मेरे साथ तीन चार दोस्त थे, तीन चार बाइकें थी, तो हम कराची से मरी तक गए थे। वो सिलसिला हमारा बहुत अच्छा रहा और चलता रहा। उसके बाद फिर हम मेहनत करते रहे, फिर हैवी बाइकों पर आ गए, फिर हैवी बाइकों पर हमने टूर करना शुरू किया। तो ये टूरिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं और बहुत मज़ा भी आता है। और एक जुमला है, सफ़र वसीला है ज़फ़र। सफ़र करने से कामयाबी के रास्ते खुलते हैं, आपके अंदर एक दिलेरी पैदा होती है, मालूमात में इजाफा होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी एहतियात भी होती हैं जो कि बहुत लाजमी हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब आप टूर कर रहे हों तो आप अपने साथ जिन लोगों को शामिल करें वो आपके बहुत पुराने होने चाहिए, परखे हुए होने चाहिए, नए लोग नहीं होने चाहिए उसमें। तो इसमें बहुत अच्छा रहता है कि वो एक दूसरे के मिजाज को समझते हैं, क्योंकि घर से बाहर जा रहा होता है, घर से बहुत दूर होता है, तो इसलिए कुछ तलखियाँ भी रास्ते में होती हैं। तो जब पुराने लोग होते हैं तो उनका एक दूसरे को पता होता है, तो इसलिए कुछ तलखी ऐसी पैदा होती नहीं, वरना एक ही शख्स जो होता है वो आपके पूरे टूर को ख़राब कर देता है। टूरिंग के हवाले से मैं एक बात ये बताना चाह रहा था कि मैंने इस सिलसिले में शुरू में मुझे बहुत शौक था, तो मैंने टूरिंग क्लब की मेम्बरशिप ली थी, जिससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे बहुत सारी बातें पता चली। उनकी क्लासें होती थी, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। टूरिंग में सबसे मेन चीज़ ये होती है कि आपका ग्रुप ज़्यादा जो है ना बड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर बड़ा है तो आप उसमें एक अपना लीडर ज़रूर बनाएं जो सबको पाबंद रखे बातों का। इसलिए आपको और अपना बजट जो है वो बिल्कुल सही रखें, फजूल खर्ची ना करें उसमें। तो इससे ये होगा कि आपको कम से कम खर्चे में, कम से कम टाइम में ज़्यादा इंजॉय होगा आपका। अच्छा इस्लाम भाई, ये बताइए कि आजकल लोग बड़ी मोटरसाइकिलों पे तो बहुत जा रहे हैं टूर पे, लेकिन जो हमारी छोटी बाइक्स वाले हैं वो भी माशाल्लाह बहुत आजकल जा रहे हैं, तो आपके ख्याल में कौन सी बाइक्स छोटी मौजू हैं इस टूर के लिए, और उसमें अंदाजन खंजराब तक अगर जाएँ तो क्या खर्चा आ जाना चाहिए? सर, इसमें तो मैं ये कहूँगा कि देखें, वैसे तो आइडियल जो बाइक रहती है टूर के लिए वो मिनिमम 200 जैसे है, वो तो बहुत आइडियल है, लेकिन अब बहुत से लोगों को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो आजकल 150 सीसी जो है वो अच्छी चल रही है, कंफर्टेबल भी है, तो उसमें तकरीबन अगर आप कराची से खुंजराब तक का टूर करना चाहें तो 30-35 हज़ार में आपका हो सकता है, और बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी उसमें नहीं है। गाड़ी आपकी सही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पुरानी ना हो, और जो ज़रूरी पार्ट्स होते हैं, मतलब वैसे तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि किसी का इंजन डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, ज़्यादा प्लग शॉर्ट हो जाते हैं, क्लच वायर टूट जाते हैं, ब्रेक शू ख़राब हो जाते हैं, चेन वगैरह होती हैं, तो बस इन चीज़ इस पार्ट्स का ख्याल रखना होता है, ये आपने रखने होते हैं। इस्लाम भाई, ये बताइए कि जैसे टायरों के बारे में क्या कहेंगे आपके, जब टूर पे आप निकले, टायर तो कम से कम आपके बहुत अच्छे होने चाहिए मेरे ख्याल से। टायर हैं, इस बारे में बताएं कुछ आप। टायर तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, गाड़ी की चाहे कंडीशन जैसी भी हो, लेकिन बाइक जो है वो उसके टायर बहुत अच्छे होने चाहिए, और पंचर वाले टायर तो बिल्कुल ट्यूब यूज़ ना करें, क्योंकि हमने जो भी टूर किए ना उसमें पंचर लगाने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम नई ट्यूबें रखते थे, खोलते थे और चेंज कर देते थे, वो उससे टाइम बहुत सेव हो जाता है, और नौबत ना आए ऐसी आप टायरों की कंडीशन, नए टायर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा इस्लाम भाई, ये बताइए कि जैसे हम यहाँ से टूर पे निकल रहे हैं बाइक पे, तो रास्ते में जैसी पता हज़ारों किलोमीटर का सफ़र है, तो अंदाजन कितने हज़ार किलोमीटर पर हमें ऑयल चेंज कर देना चाहिए बाइक का? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊँ, ये लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल मतलब गलत है कि इतने 1000 पे चेंज कर दें या 1500 पे चेंज कर दें। जितनी भी अच्छी कंपनियाँ हैं वो 2000 किलोमीटर की तो गारंटी देती है, वैसे तो 3-4 हज़ार किलोमीटर की उनकी वस्कोसिटी की गारंटी होती है, तो मैं नहीं समझता कि उसको रास्ते में आप चेंज करने की आपको ज़रूरत पड़े। और मैंने जितने भी टूर किए मैंने कहीं चेंज नहीं किया, तो अगर आप अच्छा ऑयल यूज़ करते हैं तो आपको इस टेंशन की ज़रूरत नहीं होती, आपको ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। तो लंबे से लंबा टूर भी 2000-4000 किलोमीटर तक का होता है,
अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो शायद वापसी भी एक दफ़ा चेंज करना पड़े, लेकिन रास्ते में बीच में कहीं आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, टूल्स और पार्ट्स के हवाले से क्या कहेंगे आपके, कौन से ऐसे टूल्स हैं हमारे जो हम रख लें तो हमें फ़ायदा हो सकता है, या कोई ऐसा पार्ट जो रास्ते में ख़राब होने का चांस होता है? देखें, छोटी मोटी खराबियों के लिए तो आम टूल्स जो होते हैं वही चलते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी खराबी है उसके लिए तो फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा ना, वो रोड पे तो आप उसको नहीं खोल सकते, तो इसलिए तो वो स्पेशल टूल्स तो आप लेके नहीं चल सकते ना, ना आप उसको रिपेयर कर सकते रोड पे, तो इसलिए जो आम कॉमन टूल्स होते हैं खाली वही रखे जाते हैं, जैसे स्क्रू रिंच है, प्लायर है, और जो मुख्तलिफ किस्म के नंबर के टूल्स हैं वो रखे जाते हैं, प्लास है और क्लच वायर वगैरह हैं, जो चीज़ें होती हैं ये रखी जाती हैं, कोई ज़्यादा स्पेशल टूल्स नहीं रखने होते। अच्छा, ये टूर पे जाने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स का मसला एक आता है, जगह जगह चेकिंग हो रही होती है, पुलिस तंग कर रही होती है, तो नॉर्मली वो कौन से डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते हैं? ठीक है, पहली बात तो जिस बाइक पे आप जा रहे हैं वो बाइक आपकी अपनी होनी चाहिए, आपके नाम पर रजिस्टर होनी चाहिए और उसके सारे वाजिबात अदा होने चाहिए, फुल पेड होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, सारी हर चीज़ अप टू डेट होनी चाहिए, आपका लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, ये दो ही चीज़ें मेन होती हैं और तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, तो अगर आप अच्छे शहरी हैं तो आप इन बातों का ख्याल रखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, कुछ जगहें हमारे मतलब जैसे खंजराब के लिए निकल रहे हैं तो वहाँ पे फॉग भी आ जाती है रास्ते में, और कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो मेरे ख्याल वो फॉग लाइट्स वगैरह आप क्या सजेशन देंगे कि फॉग लाइट्स होनी चाहिए बाइक में ज़रूरत पड़ गई तो, वरना पहाड़ों में कहाँ देखेंगे उसको अगर अंधेरा हो गया कहीं फंस गए? नहीं सर, देखें इसमें तो ये बहुत रिस्की होता है, खासकर पहाड़ों में जब फॉग आ जाए तो कुछ पता ही नहीं चलता रास्ता कहाँ है कहाँ नहीं है, तो वो रिस्क लेना तो बिल्कुल गलत होता है, तो बेहतर ये है कि इंतज़ार कर लिया जाए, और बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी तो फिर तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, उसके बगैर तो आप चल ही नहीं सकते, तो अगर आप एहतियात के तौर पर लगा लें फॉग लाइट तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपको। अच्छा, इस्लामिक टूर के हवाले से या वैसे आम राइड करते हैं बाइक तो उस हवाले से आप क्या सजेशन देंगे हमारे जो चलाने वाले हैं कि उनके पास हेलमेट्स कौन से होने चाहिए और सेफ्टी गियर्स किस तरह के पहनने चाहिए उनको? और इसमें तो ये है कि जो भी आप हेलमेट यूज़ करें वो स्टैंडर्ड कंपनी के हों, जैसे .3 है और EC2005 है, ये हेलमेट हैं जो स्टैंडर्ड के हैं, और शो पे ना जाएं क्योंकि बहुत से खूबसूरत तो होते हैं लेकिन उनके अंदर वो चीज़ें नहीं होती जो मेन बेसिक चीज़ होती है समझने की हेलमेट में, उसकी पैडिंग होती है, यानी वो ऐसे होते हैं जब आप उसको पहनते हैं तो वो बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं, आपके फेस को हिलाते नहीं हैं, और जब खुले मैदानों में जब आप गाड़ी को लेकर जाते हैं तो हवा का प्रेशर इतना होता है कि वो पूरे आपके फेस को हिलाता है, तो जो ओरिजिनल हेलमेट होते हैं वो आपके फेस को हिलाते नहीं हैं, अगर आपने बेल्ट नहीं भी लगाई है तो वो आपके फेस को हिलाएगा नहीं, वरना आम दूसरे जो होते हैं एक हाथ से पकड़ेंगे तो फिर आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी, वो आपके फेस को पीछे लेके जा रहे होते हैं, तो ये चीज़ मेन होती है, और सूटेड बूटेड आप होने चाहिए, आपका पूरा जो है ना ड्रेस बहुत अच्छा होना चाहिए, पूरा सूटेड बूटेड हो, पूरा आपको कवर करे, आपको तंग ना लग रहा हो, आपको लूज ना रहा हो, आपको परेशानी ना हो रहा हो, किसी किस्म की फिक्स होना चाहिए हर चीज़, और जितने भी क्लॉथ हो वो ज़रा टाइट किस्म के आप पहने, क्योंकि लूज़ जो है वो परेशानी करते हैं, और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जेबें हों ताकि आपको कोई सामान वामान रखने के लिए ईजी रहे, कोई सामान आपको ना खोलना पड़े उसमें रखने के लिए, आप फ़ौरन से उसको रख लें निकाल लें, ये टूरिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। अच्छा जी, ये अब इस्लाम भाई के साथ मौजूद हैं यहाँ पे, तो ये अपनी बाइक के रिव्यूज़ के बारे में आपको बताएंगे, इन्होंने माशाल्लाह इस पर 3 टूर किए हैं, तो ये टूर्स के हवाले से और बाइक की जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से आपको बताएंगे। सर, ये बाइक 78 मॉडल है, होंडा इसका नाम है और गोल्डिंग इसको कहते हैं, ये बड़ा स्पेशल मॉडल डिज़ाइन किया गया था टूरिंग के हवाले से, और ये बड़ी वर्ल्ड फेमस बाइक है और मेरी बड़ी फेवरेट है, ये तकरीबन 35 साल से मेरे पास है और मैंने इस पर 3 टूर किए हैं, पहला टूर मैंने 82 में किया था जो कराची से खुंजराब तक का था, और उसके बाद फिर मैंने इसका 92 में कराची से कोयटा तक का टूर किया, फिर अभी 2017 में मैं कराची से ग्वादर इस पर गया हूँ, तो ये बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस बाइक है और टूरिंग के हवाले से इसमें हर बात का ख्याल रखा जाता है, तो ये बहुत मज़ा देती है और बहुत अच्छी चलती है। अच्छा इस्लाम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया और आपने बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू दिया बाइक के हवाले से, हमारे जो न्यू कमर्स हैं उनके बारे में, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ebike.pk का कि उनके तवस्सुत से हम ये आए थे, और आप भी इनका शुक्रिया अदा करें। मैं भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके तवस्सुत से आज मुझे बहुत कुछ बताने का मौका मिला, और इस दिन के इंतज़ार में बहुत अरसों से था, तो अल्लाह का शुक्र है आज मैं बड़ा खुश हूँ कि ebike.pk ने आज मेरा जो शौक पूरा कर दिया और मेरा इंटरव्यू लिया, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रिया।